देखिए, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस की ओर से दो ऐसे मुख्यमंत्री मिले। पूर्व में कमलनाथ जी, जिन्होंने कल इमरती देवी को आइटम कहा है, और इससे पहले दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी ही पार्टी की एक महिला नेत्री को टंचमाल कहा था। तो ये जो पूरी एक परिस्थिति बनी है मध्य प्रदेश के अंदर, पिछले अगर आप 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार देखेंगे, या जब से वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, लगातार जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विधायकों के बयान आए हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे शशांक भार्गव हो, चाहे फूल सिंह बरैया हो, चाहे अजय सिंह जी हो, राहुल भैया, और अब कमलनाथ जी, ये बताता है कि कमलनाथ जी सरगना हैं। जो उनके संस्कार हैं महिलाओं को लेकर, बहुत ही विकृत मानसिकता रखते हैं। आज जहां पर हम 9 दिन का दुर्गा पूजा का महा बना रहे हैं, जहां पर नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, वहां पर कमलनाथ जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाते हुए ये बताया है कि वो महिलाओं का अपमान करना जानते हैं, महिलाओं को पूजना तो दूर, वो महिलाओं को अपनी विकृत मानसिकता से परिभाषित कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 3 तारीख को जो 50% की मध्य प्रदेश की आबादी है, वो कमलनाथ जी का नाश करने जाने वाली है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी अपने आप को बहुत बड़ा उद्योगपति मानते हैं, और अब तो ये उनके पार्टी के नेता ने बता दिया है, उसको सत्यापित कर दिया है कि कमलनाथ जी देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। तो एक उद्योगपति आदमी जिसकी बुद्धि इतनी चढ़ गई है कि वो दलित परिवार से एक मजदूरी करते हुए जो आगे बढ़ी है महिला, उसका अपमान कर रहे हैं आइटम कह के, उनके बगल में राहुल सिंह खड़े होकर इमरती देवी को जलेबी देवी कहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, उस पार्टी की मानसिकता है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद महिला है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि सोनिया गांधी जी क्यों है, प्रियंका गांधी जो सिलेक्टिव आउटरेज की राजनीति करती हैं, दलित महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, आज वो क्यों मौन है, राहुल गांधी जो बार बार हर बात पे ट्वीट करते हैं, आज वो कहां गायब हो गए हैं। तो ये इनकी खीज है। कमलनाथ जी जानते हैं कि मुद्दों पर अगर गए वो जनता के बीच में, तो 15 माह का जो उनका कुशासन रहा है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। पर आप ये तय मानिए कि नवरात्रि के पर्व में जहां पर माताओं बहनों को पूजा जाता है, वहां पर उन्होंने तिरस्कार करने का काम किया है, इनका नाश होकर रहेगा। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दा कोई भी हो, राजनीति में जब आप जनता के बीच में जाते हैं, तो आपको मुद्दों पर आधारित राजनीति करनी चाहिए। पर वोटों के लिए क्या आप अपना स्तर इतना गिरा लेंगे कि महिला किसी भी दल की हो, आप उसको अपमानित करने लगेंगे? यही इमरती देवी कमलनाथ जी के कैबिनेट में मंत्री रही हैं, तमाम सारे पदों से होते हुए जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तब जाके कैबिनेट मंत्री बनी है। क्या सिर्फ इसीलिए कमलनाथ जी इनका तिरस्कार कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को बड़ा उद्योगपति मानते हैं, और ये मजदूर परिवार से आई हुई एक दलित महिला है? ये सवाल का जवाब तो कमलनाथ जी को देना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।